अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल एक और स्टॉक के साथ हाजिर है। PIBTL, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल लिमिटेड। तो इनका काम मोस्टली डर्टी जो है बल्क होता है, जिसमें कोल है, क्लिंकर है, उसकी हैंडलिंग है, शामिल है। तो अभी उसकी कैपेसिटी देखें तो 12 मिलियन टन पर ईयर है, और अभी इन्होंने बीच में मटेरियल इन्फॉर्मेशन दिए थे, इसको वो एनहांस करके 20 मिलियन टन पर ईयर ले जाएंगे। लेकिन अभी इस वक्त आप देखें इकोनॉमिकली हालात जो देखें, बड़े इस वक्त कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है। कोल की प्राइसेस ऑब्वियसली ऑलरेडी बढ़ी हुई हैं। तो हमारे पास पहले जो रिचर्ड्स बे कोल है साउथ अफ्रीकन, तो वहाँ से आता था, और हम उसको उनको क्लिक कर भी एक्सपोर्ट करते। तो उस तो जमाने प्राइस बहुत लो थी कोल की। अच्छा, कोल का जो हमारा यूजेज है वो पावर प्लांट में भी काफ़ी है। इनका अभी एक एग्रीमेंट भी होता है लकी पावर प्लांट, जो एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट एंटिटी है, और लकी की सब्सिडियरी है, लकी सीमेंट की। तो वो उनका एक पावर प्लांट है लकी पावर, तो उसमें भी अभी हो सकता, आई थिंक मेरे मार्च से उन्होंने अभी लकी पावर प्लांट ने अपना ऑपरेशन शुरू किया है। तो उसकी जो कोल की सप्लाई है, तो वो PIBTL जो उसके जो हैंडलिंग है कोल की लकी पावर प्लांट के लिए, तो ऑब्वियसली वो ये फर्स्ट ऑफ इस काइंड, मतलब जो है डटी का टर्मिनल जो है वो एक ही है इस वक्त। तो ऑब्वियसली इन्हीं को जो इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो अगर हम इसके चले टेक्निकल से पहले हम इसका ये थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। फंडामेंटल तो बहुत ही वीक है इसके, क्योंकि अगर प्राइस से अंदाज़ा लगा लें तो इसका ईयर एंड जून है। अभी इसकी रिजल्ट आया था, इसमें कुछ लॉस आया था, वो भी हम चेक कर लेंगे। तो अभी हम इसको देखें तो इसका तो पी रेशियो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं, क्योंकि इसका कोई पे आउट अभी तक है ही नहीं। इसकी पे आउट की कोई हिस्ट्री नहीं है अभी तक कि इसने कोई डिविडेंड दिया हो। अलबत्ता राइट बहुत दिए उन्होंने। तो अभी इस वक्त जो देखें तो ये टेक्निकली परफॉर्म कर रहा था, और अभी भी टेक्निकली परफॉर्म कर रहा है। फंडामेंटली तो अभी बिल्कुल वीक स्टॉक है ये। मार्केट में शेयर्स के देखें, ऑब्वियसली राइट की वजह से देखें, फ्री फ्लोट जो है उसका 50% इसका मार्केट में फ्री फ्लोट है। और अगर हम इसकी वो देखें रिजल्ट जो भी आया है रिसेंटली, आई थिंक ईयर एंड जून है तो ईयर फाइनल होगा। हाँ, ईयर एंड फाइनल है। तो इसमें देखें कुछ भी नहीं दिया है, और रेवेन्यू भी इसका देखें थोड़ा सा कम। जैसा मैंने बोला ना कोल की, इन्होंने जब एक्सपोर्ट भी इम्पोर्ट भी कम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली सीमेंट का जो उसकी प्राइस ज़्यादा है, कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो बिकॉज ऑफ हायर प्राइसेस, तो ये सीमेंट भी इस वक्त अभी कोई क्लिंकर, एक क्लिंकर फॉर्म में जाता है सीमेंट, तो वो भी उसका भी जो है एक्सपोर्ट भी बहुत रुका हुआ है, ज़्यादा उसमें भी एक्टिविटी नज़र नहीं रह आ रही है। अच्छा, इसको अभी जो लॉस जो हो रहा है ना, वो सबसे ज़्यादा देखें, पहले इसको प्रॉफिट था, एक्सचेंज गेन था, इस ईयर जो है एक्सचेंज लॉस हुआ है इसको। ये आपका जो रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, ये इसका लॉस इसको हुआ है। ठीक है, एक तो सबसे बड़ा इसका डेंट पड़ा है EPS पे, इसके लॉस का। ठीक है, एक तो ये हमारी रेवेन्यूज है, एक तो पहले ही रेवेन्यूज की कम आई है, और ऊपर से इसकी जो कॉस्ट ऑफ सर्विसेज है इसकी, ये भी बढ़ गई है, जिसे हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं। तो ये एक है, बाकी थोड़ा अदर इनकम इसकी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। ठीक है, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऐसे कुछ होगा तो इंक्रीज हुई होगी। तो और टैक्सेशन भी ज़्यादा आया है, तो इस वजह से इसमें जो है हमने इसमें लॉस देखा है 55 पैसे का। एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर अगर हम देखें तो अर्निंग थी 1 रुपये 4 पैसे, अभी जो है इसका 55 पैसे लॉस आया है इस साल। अर्निंग मतलब 1 रुपये 4 पैसे अर्निंग चली गई है, और 1 55 पैसे, दैट मीन्स कि अभी इसका लॉस जो है वो 1 रुपये 59 पैसे है टोटल लॉस जो है इसका। क्योंकि 1 रुपये 4 पैसे की अर्निंग ये भी चली गई, उल्टा आपका लॉस आ गया, तो दैट मीन्स 1 रुपये 59 पैसे का ये लॉस अभी इस वक्त खड़ा हुआ है इस पर पर ईयर के सालाना अगर हम देखें। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं इसकी तरफ, पे आउट इसका जो क्या है। पे आउट देखें अगर हम, यहाँ से 2014 से दिया हुआ है, तो 1290% सबसे पहले इन्होंने राइट का ही जो है बम फाड़ दिया। ठीक है, इसके बाद जो है फिर 34% राइट, फिर इसके बाद 16 17, अराउंड 17% राइट, फिर इसके बाद 20% राइट। अब इसने राइट ही दिए हैं सिर्फ, अभी 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 देखें पूरा 2014 से 15 16 17 18 इसने राइट ही दिए हैं। तो अभी तो ऐसा सच तो अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा इसमें आगे कोई फर्दर ग्रोथ।
अनलेस और अनटिल को इसका एक्सचेंज लॉस जो है वो कम हो जाए, और कोल की प्राइस अगर कम होती है तो, और सीमेंट एक्सपोर्ट हो जाता है, कोल इंपोर्ट होना शुरू हो जाता है, तो इसकी जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट जी फिर ये अपने काम में बिजी होगा, तो उस बिजनेस इसका चलेगा, तो उस फिर हम इसमें ग्रोथ देख सकते हैं कि भाई आगे जाके ये लॉस कवर करके हो सकता है शायद वापस प्रॉफिट में आ जाए, अर्निंग में आ जाए। अच्छा, अब हम इसको ज़रा टेक्निकली एनालाइज करते हैं, ठीक है। अच्छा, सीपीआर तो हमारा बैक टेस्ट पे चल ही रहे, तो यहाँ पे भी मैंने प्लॉट कर दिया है, तो सीपीआर में देखें तो अपर बैंड 6 रुपये 9 पैसे है, ठीक है, इसका इसके ऊपर सस्टेन होना बहुत ज़रूरी है, और मिडिल बैंड है 5 रुपये 91 पैसे और 5 रुपये 67 पैसे इसका लोअर बैंड है, ये काफ़ी यहाँ रिटेस्ट किया 2-3 दफ़ा, फिर अभी इसको ब्रेक करके ये आज ऑल टाइम लो किया है 5 रुपये 27 पैसे का। अगर हम इसका मंथली चार्ट में देखें, ऑल टाइम हाई देखें, तो इसका ये है ऑल टाइम, ये वाली कैंडल बनी थी ना, इसका ऑल टाइम हाई 145 रुपये, ओहो बहुत ज़्यादा है भाई, 145, बिल्कुल 145 रुपये का राउंड है, और ये है 1 अप्रैल 2014, ये मेरे ख्याल से जब ये राइट दिया था उसी के, मैंने ये ऑब्जर्व किया है, देखें एफएफएल ने राइट दिया इतना ज़्यादा, उसको भी ले गए 375 तक, ट्रीट ने भी राइट दिया उसको भी ले गए 200-250 के ऊपर, अभी देखें इसको भी ले जाके ऊपर राइट दिए हैं, तो मैं अपने वैसे मैं दूसरे जो मुझसे मशवरा करते हैं राइट का, तो मैं राइट में ट्रेडिंग भी मना करता हूँ, राइट वाली शेयर बाय करने भी मना करता हूँ, कि भाई राइट में आप काम ना करें, कि राइट में ये समझे 5 साल के लिए, आप समझे 5 से 7 साल के लिए आप बाउंड हो गए, क्योंकि वो राइट का पैसा यूज करेंगे, फिर उसमें प्रॉफिट होगा, बिजनेस चलेगा, या भी हो चलेगा कि नहीं चलेगा ये भी श्योरिटी नहीं होती है, तो इसमें बहुत से मतलब भी फ्लॉसेज हैं, तो राइट वाले शेयर से दूर रह गए। देखें इसने भी राइट दिया, अगेन देखे ना इसका हाई 145 से लेके ये समझे अभी मतलब क्या रह गया, 140 रुपये गिर गया तकरीबन, अगर ये कल 5 रुपये भी आ जाता है तो 140 रुपये डाउन होगा यहाँ से, तो मैं मशवरा देता हूँ कैसे जो है राइट वाले शेयर में काम ना करें, बहरहाल अभी अब तो ये बहुत ही लोअर साइड पर है, तो इसको हम टेक्निकली अभी इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको हम यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से ये काफ़ी यहाँ पे ये सस्टेन भी करता रहा या रिटेस्ट भी गया लेकिन ब्रेकआउट नहीं मिला, ये वाला लेवल इस पे हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन 8 रुपये हॉरिजॉन्टल लाइन, अभी फिलहाल ये शॉर्ट ग्राफ में हम ये लाइन यहाँ बना देते हैं, ठीक है ना, यहाँ इसने ब्रेक किया इसको, फिर रिटेस्ट करने गया लेकिन नहीं हो सका, यहाँ रिटेस्ट किया फिर वापस नीचे आ, चले थोड़ा सा हम इसकी थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, चले तो ये वाला लेवल है 7 रुपये 90 पैसे, तो इस लेवल में देखें तो ये इसको ब्रेक करने में कामयाब नहीं हुआ, फेल हो गया यहाँ पे ब्रेक करने में, तो हम यहीं से अब एक जिस तरह मैंने आपको पहले भी सिखाया था इस पर हम ट्रेंड लाइन से शुरू करते हैं, हम ट्रेंड लाइन इस पर सीख रहे हैं, तो हम यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बना देते हैं, अब हम सबसे पहले तो विक ले लेंगे इसकी, ठीक है, विक भी माशाल्लाह इनकी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, आप पी आई वी टेल की देखें काम कुछ है ही नहीं है, विकें होती हैं खाली बड़ी बड़ी, ये देखें एक इस ये विक ले लेते हैं, चलें इसकी भी विक ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास अभी आ गई है इसमें 1 2 3, ये 3 कैंडल की विक आ गई है, तो इसको देखते हुए अभी जो ब्रेकआउट है 6 रुपये 28 पैसे का, ठीक है, इसका ब्रेकआउट मिलना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहले हम ट्रेंड डिफाइन कर लें, ये रह गया हमारा ट्रेंड डिफाइन करना, सिंपल मूविंग एवरेज या मूविंग एवरेज हम लेंगे यहाँ पे 200, ठीक है, यहाँ पे हम 200 डेली पे अगर हैं तो 200 लेंगे हम, ठीक है, तो 200 में अगर देखें तो इस वक्त 6 रुपये 40 पैसे, ठीक है, इसके ऊपर अगर ये स्टॉक परफॉर्म करता है और फिर सस्टेनेबिलिटी मिलती है हमको, यहाँ पे रिट्रेस करता है, बुलिश पैक बुलाता है, ऊपर जाता है, तो हम फिर हम इसमें हम देखेंगे कि ट्रेंड डिफाइंड होगा हमारा, कि ये अप ट्रेंड में एंटर हो गया है, लेकिन अभी हम देखें तो इसके नीचे है, ये 6 रुपये 40 46 पैसे 48 पैसे के नीचे है, तो 45 पैसे समझ ले राउंड में, 6 रुपये 45 पैसे के नीचे है, तो ये डाउन ट्रेंड में है, और डाउन ट्रेंड में एनी अपसाइड इज सेल अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे आपको सेल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर आती है तो यहाँ पे थोड़ा सेल करें, यहाँ पे 5.91 पे 6.9 पे, फिर यहाँ से वापस ये नीचे स्टॉक आ सकता है, यहाँ पे अभी तक कंटिन्यूसली जो है नीचे आ रहा है,
हो सकता है यहाँ कोई बुलिश सॉरी बेयरिश फ्लैग बने, फिर इसके बाद ये नीचे आए, क्योंकि डाउन साइड में हमेशा रिट्रेसमेंट जो होती है वो बेयरिश फ्लैग कराता है, तो उसमें से नीचे आती है, मार्केट भी नीचे आती है, स्टॉक भी नीचे आता है। ठीक है, एक तो हमने ये बना लिया है, ठीक है, और एक हम अभी बनाएंगे इसमें डाउन, ये जो एक तो हमने ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बना लिया हमने ये किए, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट हम यहाँ पे इसकी बॉडी के हिसाब से भी ले लेंगे, यहाँ पे इसकी हम चलें यहाँ से ले लेते हैं, ये कैंडल जो है इसकी बॉडी लेते हैं हम इस कैंडल की, ठीक है। यहाँ पे टचेस काफी लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, ये हम ले लेते हैं, ये पीली कैंडल की बॉडी ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखें इसकी बॉडी नहीं आई, ठीक है, ये आ गई बॉडी, आ गई थोड़ा सा नीचे आ गई, चले हाँ ये आ गई। अब हम देखें तो इस वक्त जो है इनिशियली इनिशियली ये क्लियर कर दें मार्क्स जितने भी हैं। अब इनिशियली देखें तो यहाँ पे जो है फिर 5.83 का ब्रेकआउट मिलना बहुत ज़रूरी है इनिशियल लेवल पे, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है 6.28, ठीक है। ये तो हो गए हमारे ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। अब हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी बना लेते हैं, इस वाली कैंडल को ले लेते हैं, ये काफ़ी दफ़ा रिटेस्ट हुआ तो यहाँ पे ये यहाँ से बाउंस बैक हुआ है, देखें रिटेस्ट होने के बाद ये वाला लेवल ले लेते हैं। इस लेवल से देखें तो अगर हम खाली एक तो चले यहाँ पे काफ़ी वीक बनी हुई, इसको ले लेते हैं, ठीक है, ये वीक बनी हुई है, ये इसकी भी वीक आ गई, इसकी भी वीक आ गई, इसकी भी ये वीक तकरीबन 5-6 कैंडल आ गई, तो अच्छा इसमें रिलायबिलिटी अच्छी मिल गई हमको। तो अभी हम देखें तो ऐसे अगर शॉर्ट ग्राफ में देखें तो यहाँ पे अगेन जिस तरह मैंने मार्केट का भी थोड़ी देर पहले बताया कि फॉलिंग वेज जो है वो बनने जा रहा है पैटर्न, जो कि एक बुलिश पैटर्न है, तो यहाँ पे भी एक फॉलिंग वेज बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम चलें इसकी बॉडी भी ले लें, इसमें भी हम दो लाइन इसमें क्लियर कर देते हैं ताकि हमको और अच्छा इसमें क्लियर हो जाए, यहाँ से इसको ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, इसके पैरेलल एक बना लेते हैं, ठीक है। तो इस वक्त जो है ये यहाँ पे जो बस ये तकरीबन अपने सपोर्ट पे ही आ गया है, ये 5 रुपये 21 पैसे 20 पैसे का राउंड है। अच्छा अब हम इसका RSI देखते हैं, RSI अगर देखें तो बिल्कुल ही ओवरसोल्ड है, तकरीबन 30 से भी नीचे आ गया है, 24 या 25 के अराउंड समझ ले हैं। तो हो सकता है कल के दिन में थोड़ा मार्केट और नीचे प्रेशर लेती है तो RSI का 20 भी हो जाएगा, और ये हो सकता है इन ट्रेंड लाइन को जो है ये रीटेस्ट करके यहाँ से बाउंस बैक दिखा सकता है, और बाउंस बैक जो है वो 5.67 5.9 तक हम इसमें बाउंस बैक देख सकते हैं। तो ये तो हो गया ट्रेंड ट्रेंड लाइन के हिसाब से, या फिर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन सपोर्ट इसकी जो है यहाँ पे नज़र आ रही है। मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूँ ताकि आपको और क्लियर नज़र आ जाए, ठीक है ना। हमने देखे ना ये सारी बॉडीज ली हैं ये वाली, और यहाँ पे हमने सारी विक्स ली हैं इसकी, तो हमने ये दो लाइन बनाई हुई है जिसके हिसाब से ये किए। चले मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ लाइन भी यहाँ पे, ठीक है, एक ये हो गए, इसको मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ, सपोर्ट है और सब ग्रीन इसलिए कि कूल डाउन हो रहा है, तो ग्रीन कलर कूल कलर है, मार्केट कूल डाउन हो रही है तो ये समझ लें कि ये अपने ग्रीन तरफ, इसलिए मैंने इसको ग्रीन कलर किया, ठीक है। और एक सपोर्ट यहाँ पर है, यहाँ पे भी अगेन जिस तरह पहले विक बनी है तो 5 रुपये 11 पैसे, यहाँ पे भी एक ये विक बनती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। ये दो सपोर्ट लेवल इस वक्त हैं, ठीक है, तो यहाँ से बाउंस बैक हम देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा रेजिस्टेंस हमने अगेन वही होता है, यहाँ पे अगर यहाँ से बाउंस बैक होता है तो हमको रेजिस्टेंस एक तो यहाँ जो इसका लोअर बैंड है पिविटल ये CPR का 5 रुपये 67 पैसे, और इवन ये वाला जो है लेवल ये भी हम देखते हैं 5 रुपये 81 पैसे, यहाँ पे हम जो है 80 पैसे 81 पैसे यहाँ पे हम रेजिस्टेंस देख सकते हैं। अगर यहाँ से कोई रिवर्सल होता है या बाउंस बैक होता है या शॉर्ट टर्म रिकवरी होती है तो ये सिर्फ 5.67 और 5.81 यहाँ तक जो है हम देख सकते हैं, और अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर अगर अच्छी बुलिश कैंडल बनती है तो अगेन फिर यही जो अगला लेवल होगा 6 रुपये 20 पैसे, यहाँ तक भी हम इसमें रेजिस्टेंस हमको मिल सकती है और रिजेक्शन भी मिल सकती है यहाँ पे।
यहाँ पे भी चले, मैं आपके लिए यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ये रेजिस्टेंस की भी। ठीक है, एक ये रेजिस्टेंस होगा, इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ, ये ट्रायल रन रेजिस्टेंस मैं बना रहा हूँ। और एक रेजिस्टेंस हमको यहाँ मिल सकता है इस वाले लेवल पे, 5-6 रुपए 30 पैसे, ये होंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। तो यहाँ रिस्क लेना चाहिए टेक्निकली, फंडामेंटली तो अभी कोई इसमें आप समझ लें कोई स्ट्रांग, अभी इस वक्त इसमें स्ट्रांग स्टॉक नहीं है कोई, ये टेक्निकली सॉरी फंडामेंटली बहुत ही वीक स्टॉक है, कोई इसका पे आउट नहीं है, बस ये कि टेक्निकली यहाँ से आपको बाउंस बैक ये दिखा सकता है। बस एक अच्छी न्यूज़ मैंने आपको बताई थी ये कि इसके साथ एग्रीमेंट हुआ है लकी पावर का, आपको पता है अगर उस वो चलता है तो जाहिर सी बात है उसके जो कोल है वो उसके यही हैंडलिंग करेगा, उसके लिए जो कोल जो यूज़ होता है वो कोल पावर प्लांट है, लकी पावर प्लांट जो है कोल फाइट जो है पावर प्लांट है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।